हवाला दिया है, क्या है क्या वो? देखिए, गार्बेज स्कैम का हवाला हम ये दे रहे हैं कि इस सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए पीडब्ल्यूडी के, 48 घंटे से कह रहे हैं कि हमारे 91 ट्रक दिल्ली की सफाई करने में लगे हुए हैं। और कल हम सब आप लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से सारे मंत्री विधायक लगातार एक फोटो अपॉर्चुनिटी में सब लोग झाड़ू लेकर के उतरे और निकाल रहे हैं। हमारा कहना यह है कि इसमें घोटाला कैसे हुआ। घोटाला हुआ कि अगर आपके 91 ट्रक हैं तो ऑन एन एवरेज एक ट्रक 4 चक्कर लगाता है, 4 ट्रिप लगते हैं उसके लैंडफिल साइट पर। दिल्ली की 4 लैंडफिल साइट हैं, 3 गाजीपुर, बलसवा, ओखला, ठीक है। इनके केवल 91 ट्रकों में 19 ट्रिप लगे हैं। ऑन एन एवरेज 350-400 ट्रिप लगने चाहिए, केवल 19 ट्रिप लगे। 93 मीट्रिक टन कूड़ा केवल उसमें उठा, और स्ट्राइक के बावजूद भी एमसीडी ने, आप देखिए कि 222 ट्रिप लगे हैं, 934 मीट्रिक टन कूड़ा उठा, इनका 93 उठा। और भलसवा में 0, ओखला में 0, नरेला में 0, और 324 ट्रिप, 2100 मीट्रिक टन कूड़ा उठा। मेरा ये कहना है कि 91 ट्रक में केवल 19 ट्रिप लगे, पेट्रोल डीजल ट्रकों को पेमेंट, जो आप कोई लेबर लेकर के आएंगे उनको, ये सारा पैसा और 91 ट्रकों में अगर कूड़ा उठा। बार बार दिल्ली सरकार ये कहती है कि जो एनसीडी के जो अकाउंट्स हैं उसको आप पब्लिक डोमेन पे क्यों नहीं लेकर आते, उसकी जांच क्यों नहीं करवाते हैं। ये झूठ और बेईमान सरकार है, इनको चस्का लग गया झूठ बोल के सत्ता में आने का। दिल्ली के अंदर फ्री वाईफाई, दिल्ली के अंदर फ्री पानी, दिल्ली के अंदर सीसीटीवी, दिल्ली के अंदर रोजगारों को रोजगार, दिल्ली के ऑटो चालकों को ये, उनको ये, सब झूठी बातें हैं। अब उनको लगता है कि, मुझे लगता है कि वो सरकार चला रहे हैं। मैं उनसे पूछूं, क्या आपने 10 महीने के अपने अकाउंट 3-3 महीने के क्वार्टर के पब्लिक किए? एमसीडी के जो अकाउंट्स हैं उसका एक प्रोसीजर है, और सीएजी उन अकाउंट्स को करती है, और आज तक कोई भी डिस्क्रिपेंसी एमसीडी के अकाउंट में नहीं है। एक दूसरा, डीएलबी डायरेक्टर ऑफ जो सिविल अथॉरिटीज हैं वो आपके हैं। अगर इसमें कोई अकाउंट्स में गड़बड़ है, अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में है, पार्षद और मेयर के पास अकाउंट नहीं रहते, कमिश्नर के पास अकाउंट है, खूब शौक से जाके देखिए, अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो तीनों कमिश्नरों को जेल भेज दो 24 घंटे के अंदर, मेयर स्टैंडिंग कमेटी और लीडर ऑफ द हाउस को जेल भेज दो, सारे पार्षदों को जेल भेज दो। झूठ बोलना, बेईमानी करना, मक्कारी करना, जनता को गुमराह करना, ये इनका एक एसेट है, इनका एक टूल है। और इस टूल से मीडिया के माध्यम से, मीडिया भी हमसे बार बार सवाल पूछता है, भाई आपको अकाउंट दिखा क्यों नहीं देते? पूरे ऑडिटेड अकाउंट, जो निगम का एक सरकार का तरीका है, सरकार टू सरकार जो होता है, प्लीज गो एंड चेक, देयर इज नो हाइडिंग। मेयर अकाउंट नहीं रखते, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका काम नीतियां बनाना है, वो सारे के सारे जो आईएएस हैं जो दिल्ली सरकार उनको देती है, जाएं और पकड़ लेना उनको। चलिए, तो साफ तौर पे बीजेपी का कहना है